हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गोइया के पत्ते, अरबी के पत्ते। इसे बनाया है मसाला फ्राई पत्ते। चलो देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो करते हैं स्टार्ट। हमें चाहिए होंगे फ्रेश ताज़े पत्ते। ये रोल होते हैं, तो इन्हें सारा खोल लें, कट कर लें, डंडी कट करके रोल को खोल खोल के अच्छे से वॉश करें और फिर एक पानी निकल जाए तब तक के लिए किसी छन्नी में डलिया में रख के रखते, फिर इनका सारा पानी निकल जाएगा। और अब हम करते हैं अपने मसाले की तैयारी। तो उसके लिए हमें चाहिए बेसन, एक कटोरी लगभग बेसन आप लें जैसे आपके पत्ते हैं उस अनुसार आप बेसन लें। और अब हम डालेंगे इसमें मसाले, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर और इसी व्यंजन के अनुसार लेंगे हम नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि नमक हमें ऊपर से भी डालना होता है तो थोड़ा कम ही डालेंगे। अब इन मसालों को कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स बेसन में। अब हम अपने किसी चम्मच या मिक्सर से उसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी को थोड़ा थोड़ा ही डालें क्योंकि हमें बहुत पतला पेस्ट नहीं बनाना है। और पानी ज़्यादा डाल देंगे एकदम से तो फिर वो ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करते जाएं और अच्छे से मिक्स करें जिससे कि बेसन के जो है लम्स ना रहे। ये देखिए, तो हमने ऐसा थिक पेस्ट बना लिया। इसे एक बार ऐसे उठा के देखें जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का हमें पेस्ट चाहिए, इस तरह का चाहिए जिससे कि हमारे पत्ते आसानी से चिपक जाएं। और अगर पतला रहेगा तो पत्ते जो हैं आसानी से चिपकेंगे नहीं, गीला हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह का पेस्ट बनाना है। तो अब हम अपने पत्तों को इसमें बेसन से मसाले से चिपकाएंगे। तो देखते हैं उसको कैसे करना है। पत्ते लिए हैं, इनको उल्टा रखो इस तरह से और उस पर एक साइड से और रख लो, क्योंकि ये सारे छोटे बड़े होते हैं तो उसी अनुसार मैनेज करते हुए हमें सारे पत्ते उसमें लगाने होते हैं। जैसे जो बड़ा है उसको नीचे लगा दिया, छोटा है वो उससे ऊपर लगा दिया, इस तरह से लगाना होता है। और अच्छे से आप उसको हाथों से ही चिपका पाएंगे। आप सोचो कि चम्मच और स्पून का यूज़ करोगे तो अच्छे से चिपकेंगे नहीं, तो अपने हाथों का ये यूज़ करो जिससे ये अच्छे से चिपक जाए, मसाला चारों तरफ से अच्छे से लग जाए। और इस पे एक एक करके पत्ते रखते जाएंगे और मसाले को बेसन को लगाते जाएंगे। ये देखिए, अभी हम इसमें एक और रखेंगे ऐसे करके, फिर से बेसन हलेंगे हाथों से और फिर से लगाएंगे। ये देखिए, ऐसे अच्छे से चिपकाना है जैसे कि खुले नहीं। अब हम साइड में एक और पत्ता लेंगे। पत्ते जितने छोटे और सॉफ्ट और मुलायम होते हैं उतने ही टेस्टी होते हैं। अगर बड़े पत्ते होंगे तो वो खाने में वो स्वाद नहीं होता, अच्छे भी नहीं लगता। तो जितना आप भी आप लें तो हमेशा छोटे पत्ते लें। ये देखिए, हमने दूसरा और चिपका दिया है। तो अब हम इसको ऐसे, हमारा फुल कवर हो गया है मसाले से। अब हम इसको करेंगे रोल। रोल करते समय भी आपको जहाँ पे दिक्कत है वहाँ पे थोड़ा सा बेसन लगा के चिपकाते चलें। इसको हम चारों तरफ से कर देंगे बंद, कवर कर देंगे ऐसे। ये लीजिए, और इसमें चारों तरफ से बेसन लगाया। ये बहुत अच्छे से चिपक जाते हैं, कोई वैसा नहीं है कि ये खुल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक बार पैक कर दो बस, फिर नहीं खुलते हैं। कोई धागा नहीं लगाने की ज़रूरत है, कोई टूथ पिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब ऐसे ही चिपक जाते हैं आसानी से। देखिए, हमने एक रोल बना लिया है। तो चलते हैं आगे, हम दूसरा रोल तैयार करेंगे इसी तरह से। ये देखिए, कितना अच्छा से बन गया है ना,
इसे हमने चारों तरफ से पैक कर दिया। इसी तरह से हम अपने सारे रोल तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने अपना दूसरा, और ये देखिए हमारे सारे रोल तैयार हो गए हैं। देखिए बिल्कुल भी नहीं खुले ना। इसी तरह से हमने सारे रोल्स बना के रख लिए हैं। अब हम लेंगे कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे पानी और उसके ऊपर रखेंगे जाली, क्योंकि हमें इन्हें स्टीम में पकाना है। और ये जाली के ऊपर हम सारे रख देंगे अपने रोल्स जो हैं बनाए हुए, वो सब उसके ऊपर रख दिए। और बस इन्हें पकने देंगे और एक दो बार खोल खोल के चेक कर लें। जब ये पक जाएंगे तो ये टाइट हो जाएंगे और इनका कलर भी चेंज हो जाएगा। और ये देखिए हमारे जो बन चुके थे वो हमने निकाल लिए हैं। इस तरह से इन्हें ठंडा होने देंगे, फिर इनको कट कर लिया। ये देखिए कितने अच्छे रोल तैयार हुए हैं। अब हम इनके लिए हरी मिर्च, प्याज वगैरह, लहसुन इन सब तैयार करके और करेंगे तड़का। कढ़ाई में डालना है ऑयल, अब डालना है हरी मिर्च, लाल मिर्च, प्याज, लहसुन और उसको अच्छे से भूनेंगे। अब हमने डाल दिया अपने रोल्स जो काट के रखे थे, उनको बहुत अच्छे से फ्राई करें। और ये देखिए हमारे हो गए हैं अरबी के घुइया के पत्ते रेडी। चाय के साथ खाइए, खाने के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ओके बाय।